आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्लास बीच बीच में गैप हो रहा उसके लिए खेद है। आज हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। पहले हम इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, आज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, हम लोग बात करें कि यदि कोई मान लें कि यहां पर ध्यान दें, यहां पर पाई बॉन्ड है और कोई अटैकिंग रीजन जब आता है यहां पर एच प्लस एड हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर शिफ्ट कर जाता है यानी CH2 + CH2-। इस तरह से जब इसको ऐड करेंगे तो, और जब H प्लस को रिमूव करेंगे तो पुनः बैक कर जाता है यानी इस तरह से इंटरचेंज करता है। तो इस इफेक्ट को ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बात करें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे यहां पर ध्यान दें, जैसे CH यहां पर मान लिया कि एल्डिहाइड है और यहां पर एक अटैकिंग रीजेंट आ रहा है CN-। तो इसके इफेक्ट के कारण क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर जाएगा और जब इस पर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर CH3 इस पर हो जाएगा माइनस और यहां पर हो जाएगा प्लस। जब CN- ऐड करेंगे तो, और जब CN- को रिमूव कर देंगे तो पुनः बैक करेगा। तो किसी अटैकिंग रीजेंट यदि मल्टीपल बॉन्ड के पास पहुंचता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके किसी एक बॉन्डेड एटम पर शिफ्ट कर जाना ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है, अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में यदि पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पर शिफ्ट कर रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहां पर बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पाला सी से इंडिकेट करते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को माइनस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोग बात करें, अब यहां पर इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच रीजेंट गेट्स अटैच्ड, यानी जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उसी पर अटैकिंग रीजेंट जुड़ता है। जैसे ये जो बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर गया है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये जो ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन एन ए से रिलीज करेगा, एन ए से पुल करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर गया। अब अटैकिंग रीजेंट जो है ये जो है इसी पर जाकर करके जुट करके ए बन गया, यानी यहां पर केटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें यहां पर ही, जैसे CH2 डबल बॉन्ड
CH2 जैसे HCl है, HCl टूटता है पहले H+ Cl- में, अभी H+ जब इसके पास जाएगा, HCl टूटता है H+ में और Cl- में, H+ जब यहां पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेगा, ये इसके साथ जुटेगा और इस तरह से CH2 CH3 यहां पर प्लस, ये स्लो स्टेप में होता है। अगले स्टेप में Cl- जो है जुटेगा और इस प्रकार बन जाएगा CH2 Cl CH CH2 Cl CH3। फिर से हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू वन बॉन्डेड एटम्स पर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पर शिफ्ट करना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, जब H+ ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर गया, इस तरह से इस पर माइनस, इस पर प्लस, रिमूव करेंगे तो पुनः बैक करेगा। यहां पर है अटैकिंग रीजन CN है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला गया, जब ये हटेगा तो पुनः बैक करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम लोग बात करें, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम्स टू विच द रीजेंट गेट्स अटैच्ड, यानी जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा रीजेंट उसी पर अटैच होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर H+ अटैक कर रहा है तो ए इलेक्ट्रॉन इस एटम पर जा रहा है, उसी पर हाइड्रोजन जुटा है। अब निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम बात करें, माइनस इस इंडिकेट करते हैं, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रांसफर टू दैट एटम्स टू व्हिच अटैकिंग रीजन डज नॉट गेट अटैच, जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर अटैकिंग रीजन नहीं जुटता है। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गया लेकिन CN जो है कार्बन से जुटा, ये स्लो स्टेप होता, अगले स्टेप में हाइड्रोजन इस तरह से जुटा। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होता, इस तरह से यहां पर देखें, एफ टूट करके एक एटम पर गया, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया है, यहां पर ये माइनस आई खींचने वाला, एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर गया तो इस तरह से प्लस माइनस होगा, ये भी माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट किया, ये आपका माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट किया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। अब यहां पर बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट में बात करें, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंजुगेट सिस्टम इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान दें, पाई इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट में या रिजोनेंस इफेक्ट में, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है कंजुगेट सिस्टम में। कंजुगेट सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। अब देखिए ध्यान से, कंजुगेट सिस्टम किसको कहेंगे, सबसे पहले कंजुगेट सिस्टम जाने, जहां कहीं भी अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वह कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा। जैसे यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा। यहां पर ए इलेक्ट्रॉन एटम पर जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेगा, इस तरह से चेंज कर जाएगा। यहां पर देखिए, लोन पेयर के अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, दो या दो से अधिक अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा।
या लोन पेयर के अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा, केटायन के अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा, एनायन के अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा, या ऑन पेयर के अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा। ये हम लोग याद रखेंगे, ये आपका चार जो है कंजुगेट सिस्टम है। कंजुगेट सिस्टम है यहां से यहां तक, ये आपका कंजुगेट सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए यहां पर दो अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो कंजुगेट सिस्टम होगा, ए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से एटम पर जाएगा और यहां एटम से एटम पर जाएगा, इस पर शिफ्ट कर जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता है, दोनों आपस में इंटरचेंज करता है। अब यहां पर बॉन्ड से बॉन्ड पर जाएगा, यहां एटम से बॉन्ड पर पुनः इसमें चेंज कर जाएगा। यहां पर लोन पेयर एटम से बॉन्ड पर जा रहा, बॉन्ड से एटम पर, इस तरह से यहां पर निगेटिव चार्ज हो गया, यहां पर प्लस चार्ज हो गया। अब इसका उल्टा होगा, एटम से बॉन्ड पर और बॉन्ड से एटम पर जाएगा। अब यहां पर लोन केटायन के अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो यहां पर बॉन्ड से एटम पर गया तो एटम पर हो गया प्लस, यहां न्यूट्रल हो गया, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करा, इस तरह से इंटरचेंज कर रहा है। यहां लोन पेयर के अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो इस तरह से ये आ गया बॉन्ड पर, बॉन्ड से आ गया एटम पर, यहां एटम से बॉन्ड पर, बॉन्ड से एटम पर, इस तरह से। यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर आया, ये बॉन्ड टूट करके एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, यहां पर हो गया पाई बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन इस पर, इस पर हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में ये इस पर आ रहा है, ये इस पर आ रहा है और इस तरह से शिफ्ट कर रहा है। ये सब कंजुगेट सिस्टम है और रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है, एटम स्टेबल एक ही जगह पर लोकलाइज होता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। अब हम लोग मेन पॉइंट रिजोनेंस में देखें, इन रिजोनेंस में ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, नॉट एटम, एटम का नहीं होता है, यह जो है परमानेंट इफेक्ट है। ऑल द रिजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो लेविस स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करता है और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बाय थ्री वे, एटम से एटम पर शिफ्ट करेगा, बॉन्ड टू एटम पर शिफ्ट करेगा, एटम टू बॉन्ड पर शिफ्ट करेगा। जैसे यहां पर देखें, बॉन्ड से एटम पर जा रहा, यहां बॉन्ड से बॉन्ड पर, और यहां पर बॉन्ड से बॉन्ड पर, एटम से बॉन्ड पर, इस तरह से तीन तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, जितना इफेक्ट है लगभग सब दो टाइप का ही होता है। एक कहा जाता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दूसरे को कहा जाता है निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कंजुगेट सिस्टम, एटम से कंजुगेट सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन जाता है, और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है कंजुगेट सिस्टम टू एटम पर, टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेट सिस्टम टू एटम। अब यहां पर देखें एग्जांपल, यहां एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंजुगेट सिस्टम में और यहां पर
यहां पर ए टर्म से कंजुगेट सिस्टम में जा रहा है, इसमें उल्टा होता है, कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इस तरह से एक हो गया आपका पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होता है, वह होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसका नेचर यह है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम कोई एटम है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहां पर ऑक्सीजन पर है, इन्हें जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर है, सल्फर पर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। इस तरह से यहां पर मिथाइल में लोन पेयर नहीं, लेकिन यहां पर हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन देता है, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, एटीसी, ये सब पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप कहलाता है। अल्काइल ग्रुप जिसके पास लोन पेयर नहीं है फिर भी पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप का काम करेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ई डब्ल्यू जी से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। ये इस टाइप से रहेगा, यहां से कंजुगेट सिस्टम में जुड़ा हुआ है वाई डबल बॉन्ड एक्स है, एक्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है वाई से, यानी ए इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। इसके एग्जांपल में हो गया साइनाइड, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन, एसाइल हैलाइड, ये आपका है एसाइल हैलाइड, ये कहलाएगा कीटोन ग्रुप, ये आपका। अब यहां पर हम लोग बात करें, यानी ए इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जैसे यहां पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इस पर जाएगा, इस तरह से इंटरचेंज करेगा। अगले स्टेप में इस पर जाएगा, पुनः इसमें कन्वर्ट करेगा। तो ए हो गया इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ए इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। जो ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ऑलवेज फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो हमेशा करता है, ये बात याद रखेंगे। अब जो ही ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, उसके आने के साथ ही साथ इससे पाई इलेक्ट्रॉन इस एटम पर शिफ्ट कर गया, यानी ऑक्टेट रूल को ऑलवेज फॉलो कर रहा है। अगले स्टेप में एटम से बॉन्ड पर जाएगा, एटम से बॉन्ड पर, बॉन्ड से एटम पर, फिर अगले स्टेप में एटम से बॉन्ड पर, बॉन्ड से एटम पर, अगले स्टेप में एटम से बॉन्ड पर, बॉन्ड से एटम पर चला गया, पुनः इस तरह से ये पांच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतने ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें ध्यान दें, ओ से ऑर्थो, एम से मेटा, पी से पारा, यहां पर कोई पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑर्थो और पारा पर निगेटिव चार्ज होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है वह ऑर्थो पर जुटेगा या पारा पर जुटेगा जहां निगेटिव है, यानी यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा एक ऑर्थो वाले बनेगा, दूसरा पारा वाले, पारा वाला ये है पारा और ये है ऑर्थो, पारा वाला जनरली मेजर होता है। पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, यदि पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है तो बेंजीन रिंग में दो आइसोमर बनेगा, एक ऑर्थो पर जुटेगा, दूसरा पारा पर।
इसी तरह से निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप है, ए इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होगा, ए इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर रहा है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएगा तो बॉन्ड से एटम बॉन्ड से बॉन्ड पर शिफ्ट कर गया, यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया। अगले स्टेप में बॉन्ड से एटम बॉन्ड पर चला गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या, ऑर्थो पर आपका ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव हो गया, अगले बार पारा पर पॉजिटिव हो गया, फिर ऑर्थो पर ही हो गया। यानी यदि निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप है तो ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज रहेगा, तो यहां पर यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो मेटा पर जुटेगा। यानी ये जो है आपका निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और ये जो है डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, रिएक्टिविटी को। तो हम लोग आज यही सीखें, ध्यान दें, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये आपका रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉजिटिव मेसोमेरिक इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, नेगेटिव डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। तो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः इस पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे, और अब रेगुलर क्लास चलेगा। आप लोग इसे ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और लोगों के बीच में चर्चा करें, इसमें कुछ इस तरह का आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। आज का इतना ही।